कवर्नर का ये आयल सील भी हमने निकाल ली है और अब इसके अंदर ये जो बुश हैं ये ख़राब हो चुके हैं क्योंकि क्रैंक नई लगानी है, क्रैंक भी ख़राब हो चुकी थी तो इनको निकालना ज़रूरी है क्योंकि अब स्टैंडर्ड साइज के बुश लगाएंगे इसके अंदर क्योंकि ये ओवर साइज के लगे हुए हैं। नंबर तो इनका निकलने के बाद ही पता लगेगा। अब इस तरह से हम छैनी के माध्यम से हथौड़े से इसको हमने बॉडी पर रख रखा है और इसको इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमने एक पीस निकाल दिया है एक साइड का व्हील साइड का, ये देख लीजिएगा। और ये साफ करके हम नया लगाएंगे इसमें। अब ये गरारी साइड का भी बुश हम इस तरह से निकाल लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर मित्रों, मैं हूँ मिस्त्री धर्म सिंह। तो ये देखिए ये दूसरा भी हमने बुश निकाल लिया है। अब इनको साफ करके अब हम इन पर आते हैं तो ये फैलता है। क्लोज करके ये बुश हैं स्टैंडर्ड साइज के, ये देख लीजिएगा स्टैंडर्ड साइज ओरिजिनल किर्लोस्कर के बुश हम लगा रहे हैं, ये देख लीजिएगा स्टैंडर्ड एसटीडी लिखा हुआ होता है इस पर। अब ये हम इस तरह से ये जो होल है मोबिल आने वाला जो लुब्रिकेटिंग ऑयल ब्रश को पूरी मात्रा में मिल सके तो हम ये सुराख हम इधर को करके लगाएंगे। अगर ये आउट भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें एक ग्रुप बना हुआ होता है उसके द्वारा मोबिल आता रहता है। अब ये हमने हैंडल एडी यानी हैंडल शाफ्ट के द्वारा हमने इसको इस तरह से ठोका है, देख लीजिएगा ये बड़ा परफेक्ट तरीका लगा है जो ये बिल्कुल फिट बैठ गया है। थोड़ा सा और बैठाने के लिए इस बुश को हम पुराने बुश की मदद से इस तरह से ही ये ठोक देंगे, ये देख लीजिएगा ये इस तरह से ये फिट हो गया है। ये दूसरी साइड बिल्कुल बराबर, दोनों साइड में बराबर आ गया है, होल भी सामने आ गया है इसका मोबिल आने वाला। अब हम दूसरा वाला भी इसी तरह से फिट करेंगे, हमने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है ताकि हमारी हैंडल एडी ज़मीन पर ना टकराए क्योंकि हम उल्टी करके हैंडल एडी को से ठोकेंगे। इस तरह से हमने नीचे ऊपर रख लिया है इनको, इसका जो है गैप बढ़ गया है, लंबाई बढ़ गई है इसकी, तो ये इस तरह से जुगाड़ बनाया है, गजन पिन को रख लिया है हमने इसमें ताकि हमारी चोट परफेक्ट लग जाए। ये देखिए बड़ी आसानी से ये परफेक्ट बैठ रहा है इसके द्वारा। अब हम आपको दिखाएंगे, ये देख लीजिएगा ये बैठ चुका है। ये साइड हमें थोड़ी सी ओवर रखनी है, ये देखिएगा ये हमने इतनी ओवर रखनी पड़ेगी, इस बुश को इतना ऊपर निकाल के रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम जो एक थ्रस्ट वाशर होती है एल्युमिनियम की, ये कॉपर की वाशर भी आती हैं और पीतल की भी आती हैं, तो ये वाशर हम यहाँ ताकि ये वाशर निकल ना जाए और यहाँ पर लगा रहे। थोड़ा सा बुश हम इससे डाउन रखेंगे, वाशर से डाउन रखेंगे ताकि हमारी गरारी को टाइट नहीं कर ले, क्रैंक को टाइट नहीं कर ले। और ये देखिए अब ये हम नई क्रैंक खोल रहे हैं, पद्मा की ओरिजिनल बुश वाली क्रैंक है EN9 की, ये हमने खोल लिया है इसको। ये देख लीजिएगा ये, और हमने इसकी सफाई कर ली है। अब हम बुशों को बाहर ही चेक कर लेंगे कि हमारे टाइट या लूज तो नहीं है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग हमारी हुई है, ये बिल्कुल परफेक्ट घूम रहे हैं। अब इनको निकाल कर एक साइड रख कर देंगे, दूसरा वाला भी हम चेक करेंगे दूसरी साइड।
ये वाली साइड भी हम इस तरह से चेक करेंगे। और अब हम इसकी पिले चेक करेंगे कि हमारी इसमें पिले तो नहीं रह जाएगी। ये देखिए परफेक्ट घूम रहा है। एक वाशर हम नीचे लगा लेंगे क्योंकि दोनों साइड में वाशर रहता है, और इसका हम साइज़ देखेंगे कि इसमें पिले तो नहीं रही है। ये देखिए ये वाशर इधर लगाया है, एक वाशर नीचे, दोनों साइडों में इसके वाशर होता है। अब हम गरारी को रख देंगे। गरारी को रख करके अब पिले देखेंगे। बिल्कुल पकड़ के गरारी को, पिले तो नहीं है इस हाउजिंग के अंदर जिसमें बुश लगा है, तो इसमें बिल्कुल भी पिले हमें नज़र नहीं आ रही है। ये क्रैंक का होल बंद कर देंगे ताकि हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल यहाँ को लीक ना हो, निकले नहीं। अगर ये बोल्ट नहीं लगाएंगे तो हमारी क्रैंक और ब्रास सब कुछ फूक जाएगा, यहाँ को हमारा सारा लुब्रिकेटिंग का ऑयल का प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, निकल जाएगा और ब्रासों तक नहीं पहुँच पाएगा। ये हम ग्रीस लगा लेते हैं इस पर थोड़ा सा, और यहाँ पर हम वाशर चिपका देंगे। ये थ्रस्ट वाशर, एल्युमिनियम की वाशर को चिपका दिया गया है, और अब हम ये देखिए ऑयल पंप लगाएंगे। पहले लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा लेते हैं थोड़ा सा। अब हम इसको बॉडी के अंदर जो फलक्रम पिन ये लगी हुई है इसके अंदर फिट करके खड़ा कर देंगे ऑयल पंप को, और फिर क्रैंक लगाएंगे। ऑयल पंप को हमने परफेक्ट जगह फिट कर दिया है, ये देख लीजिएगा। अभी एक बार बाद में ये देखिए यहाँ पर हमने इस पिन में लगा दिया है, और एक बार बाद में भी दिखा देंगे आपको। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर सामने हमने इसको लगा दिया है। और अब हम ये देख लीजिएगा कम्प्लीटली ये परफेक्ट जगह पर बैठ गया है। अब हम इधर से क्रैंक को लगाएंगे। ये देख लीजिएगा ये आसानी से हमारी क्रैंक फिट हो जाएगी। थोड़ी सी दिक्कत आती है परंतु हमें ये फिट कर लेंगे इस तरह से। हमने पैकिंग बना करके लगा दिए हैं। ये देखिए ये बैठ गई है। अब इधर से हम इसको, एक वाशर अंदर चिपका हुआ है, इस हाउजिंग को, इस साइड के हाउजिंग को बैठा देंगे। पंप देख लीजिएगा अपनी जगह परफेक्ट बैठ गया है ऑयल पंप। अब हम इधर तीन नटों के द्वारा इसको टाइट कर देंगे। अब ये पैकिंग हमने लगा दिया है, बना करके लगाया है पैकिंग, क्योंकि ये पैकिंग किट में नहीं निकला है, तो हमने दो पैकिंग बना करके लगा दिए हैं। अब इस होजिंग को भी हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे चार नटों के द्वारा। इस तरह से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि हमारी परफेक्ट फिटिंग हो 13 नंबर की चाबी के द्वारा। ये देख लीजिएगा अब हम इधर से ये ऑयल सील लगाएंगे। ये 216 नंबर की ऑयल सील इसमें लगती है। किसी किसी क्रैंक में जो ब्रासो वाले इंजन होते हैं उनमें 187/316 नंबर की सील भी लगती है, परंतु इसमें 200/316 की ये ऑयल सील हमने लगाई है क्योंकि इसका साइज क्रैंक का यही है। ये परफेक्ट बैठ गई है ऑयल सील। तो अब हम भील को भी चढ़ा देंगे, क्रैंक में फिट कर देंगे। काफ़ी हैवी भील इसमें लगा हुआ है।
ये लगभग 45 वो हमारा बॉडी में चला जाता है। हमने भील को इतना गैप रखेंगे, अब चाबी को अच्छी तरह से ठोक देंगे।